Hey. ये तो चांदी के हैं, ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। और अभी दोस्तों हम निकले हैं पैदल पैदल इस सिंधु नदी के किनारे। अब जाना है हमें लेह। अभी कोई गाड़ी तो है नहीं, देखेंगे कोई बीच में लिफ्ट वगैरह मिल जाए। अगर लिफ्ट मिल गई तो हम पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। अभी तो पैदल चल रहे, कहाँ तक चल पाते हैं। जहाँ पे नाइट हुई वहाँ हम नाइट रुक जाएंगे और फिर कल लेह पहुंचेंगे। तो देखो आगे क्या रहता है। ये देखो आप, काफ़ी खूबसूरत सीन है। और इधर पास में ये नदी है नीचे, जो सिंधु नदी है। ये रही सिंधु नदी। और ये जो इलाका है इसको आर्यन वैली कहते हैं। बीमा नाम करके ये कोई गांव है। और आर्यन वैली में यहाँ पे दो तीन गांव ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, उनका कल्चर वगैरह पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी अलग हैं और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम चल रहे हैं पैदल पैदल, कोई मिल गया तो शायद लिफ्ट दे देगा, नहीं तो फिर देखते हैं आज की शाम कहां पर होती है। तो दोस्तों एक लिफ्ट मिली है थोड़ा आगे आने से। तो दोस्तों ऐसा हमें लिफ्ट दी है। ऐसा आप कहां तक जाएंगे? हम जाएंगे करगिल। अच्छा, अभी ये तो जाएंगे करगिल, लेकिन मुझे जाना है लेह। चलो कहां तक जाते हैं? कहां से? हम राजस्थान से। तो भाई अभी थोड़ा सा आगे आए, 10 ही किलोमीटर तक लिफ्ट मिली। और अब ये भाई साहब जाएंगे करगिल साइड, इधर ये जा रहे हैं इस तरफ, और हमको जाना लेह की तरफ इस तरफ। ये एक छोटा सा और गांव आया है, देखिए आप नदी के जस्ट किनारे पे, काफ़ी खूबसूरत ये गांव है। थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई और मिलेगा। लेकिन यहाँ लिफ्ट बहुत बहुत कम मिलती है, यहाँ पर कोई लोग इतना ज़्यादा चलते नहीं हैं। इधर तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ ये शॉर्टकट है, यहाँ से 150 किलोमीटर लेह पड़ेगा। देखो जहाँ पे रात हुई तब तक चलते हैं, और जहाँ रात हुई वहीं टेंट लगा देंगे या किसी के यहाँ रुक जाएंगे। ओके तो चलते हैं। यार रोड देखो यार, सिंगल रोड हैं और पहाड़ कितने ऊंचे हैं, सूखे पहाड़ और बीच में ये नदी, छोटे छोटे गांव में थोड़ी हरियाली, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यार। मज़ा आता है ऐसी वैलियों में घूमने का। तो दोस्तों आज जो बुद्धिज्म वहाँ जो हम गए थे वहाँ मेला है, तो आज देख रहे हो आप बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, बहुत सारी। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो पूरा ट्रेडिशनल वेशभूषा। तो दोस्तों ये गाड़ियां जो जा रही है उसी प्रोग्राम में जा रही है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस जाऊं। आज फिर वापस जाना पड़ेगा, देखते हैं इस गाड़ी में अगर लिफ्ट मिली तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम था लेह जाने का अभी कैंसिल, क्योंकि ये जो आज अभी जो गाड़ियों में जो लोग बैठे थे उनकी ड्रेस बिल्कुल अलग, जो इनका जो कार्यक्रमों में पहनते हैं ट्रेडिशनल वेशभूषा उसमें बहुत सारे लोग थे। तो आज हम वहीं कार्यक्रम जहां है वहां रुकेंगे, अभी जा रहे हैं वापस। कैंसिल लेह जाना, यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर है। इधर से कोई गाड़ी मिल गई तो मैं लिफ्ट ले कर जाऊँगा, नहीं तो फिर पैदल पैदल शाम तक पहुँच जाएंगे।
दोस्तों, अंकल जी आ रहे थे, उन्होंने दे दी लिफ्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कहाँ जाना, कहाँ है? यहीं किसी रहा पर, किसी रहा है? हम घूमने आए थे। अच्छा, अंकल जी ने, उनको पता ही नहीं चला कि मैं ऊपर हूँ, भूल के यहीं लाए, मुझे भी यहीं आना था। तो दोस्तों, वापस हम उसी मंदिर पे आ गए हैं जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, ये देखिए। और तो चलो, हम दिखाते हैं आपको पूरा प्रोग्राम। नहीं रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। और इतना शानदार कल्चर है, पूरी जो इनकी ट्रेडिशनल वेशभूषा है वो सब लोग यहाँ से पहन के आए हैं, इसलिए मैं वापस आया। चलो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और अभी हम हैं कौन सी, आर्यन वैली। और आर्यन वैली में यहाँ जो बुद्धिस्ट गांव हैं दो तीन, और उनका आज कोई प्रोग्राम है कल्चरल का। और मंदिर है यहाँ, जो मोनेस्ट्री है यहाँ पे कोई प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जो उनकी ट्रेडिशनल वेशभूषा है पुरानी, वो भी पहन के आए, तो वो भी देखेंगे। और ट्रेडिशनल डांस देखेंगे, ट्रेडिशनल सारी चीज़ें जो होती है वो सारी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो बने रहे कंटिन्यू, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो अपन शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी पहनावा कैसा है, क्या क्या है उसमें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, देखो। ये इनका मोनेस्ट्री जो मंदिर है, और लेडीज़ और जेंट्स दोनों की जो वेशभूषा में काफ़ी अंतर है। ये देखो, पुरुष इस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, ये देखिए। ये है जो महिलाओं की पुरानी जो वेशभूषा है, जो किस इस प्रकार है। ये जो ऊपर पहना हुआ है, ये है मतलब बकरी की खाल का बना हुआ है, चमड़े का है पूरा। वो देखो जी, है ये कुछ खा रहे और चाय पिला रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ से 15 किलोमीटर आगे पहुँच चुका था, फिर वापस पैदल आया, फिर मुझे लिफ्ट मिल गई। हाँ, ये भी आ गए, देखो जिस गांव में हम थे पिछले वीडियो में आपने देखा था, ये देखो एकदम तैयार होके पहुँच गया। नमस्कार, झूले झूले कभी ना भूले कभी ना भूले, वाह। तो यहाँ पे नमस्कार को झूले बोलते हैं। ये देखिए अंडे जी, पूरा ट्रेडिशनल वेशभूषा। ये जो बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है जो सफेद? ये तो चांदी के हैं। ये बकरी का वो खाल, बकरी की खाल का बना हुआ। कितना पुराना होगा? पता नहीं,
है, बहुत पुराना है। अच्छा, ये ऊपर देखो, इस प्रकार ट्रेडिशनल पूरा ये फूल वूल लगा के रखते हैं, और पीछे माला है, और बाल ऐसे छे छे और बहुत सारे ऐसे लड़ी होती है ना, और पुरुषों की वेशभूषा कुछ इस प्रकार की होती है। अभी दोस्तों आपको यहाँ का ट्रेडिशनल जो डांस है वो दिखाते हैं, वो है जो पुरुष करते हैं, महिलाओं का हुआ तो फिर वो भी बताएंगे। यहाँ का ट्रेडिशनल डांस और यहाँ की जो पुरानी प्राचीन वेशभूषा थी वो भी देखी, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं 15 किलोमीटर आगे जाकर फिर वापस आया, बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।